अभी हमने लहसुन और मशरूम्स को सौते किया जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से सौते हो चुके हैं। अब इसमें हम ये बीफ टेंडरलॉइन या बीफ सिरलॉइन जो भी आपके पास हो, अंडर कट का बीफ होना चाहिए, इसके हमने बारीक बारीक ये स्ट्रिप्स किए हुए, थैंक्स टू मसाला टीम, मुझे नहीं आते करने, ये किए हुए और हमने इसको बीफ को, अच्छा ये वाला जो बीफ है ये आपका तकरीबन 8 मिनट के अंदर बन जाता है। ये हल्का सा लाइट ब्राउन होगा और इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे और प्याज को हल्का गोल्डन होने का वेट करेंगे, जो ट्रांसलूसेंट रंग होता है ना वो पीला होगा ना वो ज़्यादा गहरा होगा, हल्का सा सफ़ेद हो जाएगा। अभी आप ये गोश्त देखें तो ये हल्का सा ब्राउन सा हो गया है, इसमें हमने ये प्याज जो है बारीक चॉप हुई हुई प्याज जो है ये हमने ऐड कर दी है। अभी तक हमने मशरूम्स और गार्लिक को सौते किया है, हल्का सा वो गोल्डन रंग आया, आपने बीफ ऐड किया है और अब हमने ये प्याज ऐड कर दिया। ठीक है, वी शुड जस्ट ऐड अ बिट ऑफ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, बस सही है, दैट्स इट। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि मक्खन का जो एक अरोमा आता है वो ज़रूरी होता है, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि तेल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और अब हम एक थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर, वॉट एवर यू गेट योर हैंड्स ऑन, क्रीम, वन पैकेट वुड बी मोर देन इनफ। इसके बाद बहुत अच्छा टेक्सचर देती है ये क्रीम। इसके बाद अगर आपके पास, आपने घर में चिकन स्टॉक बनाया हुआ है, बहुत आसान है, इनके सामने मैं क्या बताऊं, शीरिन आपा के सामने, लेकिन चिकन स्टॉक है, आपने चिकन की हड्डियां लेनी है, उसमें अदरक लहसुन सब डालकर उबाल लेना है, आधा हो जाए फिर दोबारा पानी डालें, जब दोबारा आधा हो जाए उसको पैकेट्स में एक बर्तन में जमा दें, बर्फ़ जमी हुई हो उसके टुकड़े करें, पैकेट्स में रखें, तो वो सबसे आइडियल चिकन स्टॉक होता है। वरना हमारे पास ये चिकन क्यूब मौजूद है, ऐसे ही डाल दिया, इससे बड़ा अच्छा एक अरोमा आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। You want some water? थोड़ा सा दे दें, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा, हस्बे, दैट्स इट। दो टेबलस्पून पानी डाल दिया और बिकॉज ये जब सर्व करते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करें तो ये आपको आइदर यू विल गेट इट एज अ साइड थिंग विद योर राइस ऑन द राइट और लेफ्ट, एंड सिमिलरली अगर आप नूडल्स के साथ करेंगे तो नूडल्स का बेड बना हुआ होगा और ऊपर से ये चीज़ ऊपर से रखी होती है, तो इसको थोड़ा सा ग्रेवी होनी चाहिए इसके अंदर। सबसे आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पार्सली है। अच्छा, इसका नेमल बदल हरा धनिया नहीं हो सकता, पुदीना नहीं हो सकता, पार्सली है, यू कैन बेसिकली ऑल्टरनेट विद ब्राज़ल, लेकिन ये ज़रूरी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसको बटर में बहुत अच्छी तरह से बटर और गार्लिक में फ्राई किया है, अब इसकी आप सर्विंग देख लीजिए। ये हमने नीचे हमने बेड ऑफ नूडल्स बिछाया, लहसुन को सौते करके बटर में लहसुन को सौते किया और ये बिछा दिया और ऊपर से एक हेल्दी सर्विंग ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑफ पोर कर दिया। बीफ स्ट्रोगनॉफ, अज्जा, बीफ सिरलॉइन एंड टेंडरलॉइन 2 पाउंड, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चम्मच, कटी प्याज 1 अदद बड़ी, मक्खन 100 ग्राम, चिकन स्टॉक या बीफ स्टॉक 1 कप, क्रीम 2 पैकेट, नमक हसपे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, बारीक कटे पार्सले 1 गट्ठी, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, मशरूम 1 कप।